जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन होने जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि इस ऐतिहासिक घड़ी के लिए केवल राम भक्त ही जो है उतावले हैं, इसके लिए जो साइबर क्राइम वाले हैं ना वो भी एक्टिव हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन साइबर ठगों से हम कैसे बच सकते हैं और ये साइबर ठग हमको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हर न्यूज चैनल पर, हर समाचार पत्र में आपको राम मंदिर की खबर जरूर मिलेगी। और राम मंदिर के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तो इस आयोजन में साइबर ठग भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और वो आपको ठगने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो किस तरीके से आपको चुना लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो साइबर ठग हैं ये हमको किस तरीके से चुना लगा सकते हैं। आजकल जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपके मान लीजिए फेसबुक अकाउंट है या आपका व्हाट्सएप है, उस पर आपको कुछ क्यूआर कोड देखने को मिल रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को भेजे जा रहे हैं, और उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हो तब उसमें एक .apk फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। तो यह एक एप्लीकेशन होती है, क्योंकि जो लोग समझदार हैं वो इस चीज़ से बच जाते हैं, लेकिन जो भोली भाली जनता है जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि भाई उनको तो ये पता है कि बस राम मंदिर की तरफ से कुछ आया है और उसमें वो दावा ये करते हैं कि हम आपको जो है VIP पास दे देंगे और इससे आप जो है VIP दर्शन कर सकते हैं, आप जो है इस हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो आपको हम VIP दर्शन करा देंगे बहुत मामूली शुल्क पर, इस तरीके से वो आपको झांसा देते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे वह आपसे आपकी गैलरी का, आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगेगा, और आप अनजाने में एक्सेस दे देते हो। फिर क्या होता है कि वो लोग आपके जो कॉन्टैक्ट होते हैं, जो भी मान लीजिए आपके फोन बुक में जुड़े हुए हैं, वो सारे नंबर्स वो उनके पास चले जाते हैं और वो आपके नाम पर उनसे ठगी कर सकते हैं। या जैसे आपने मान लीजिए गैलरी का एक्सेस दे दिया तो वो आपके फोटोज, आपके वीडियोस सभी का एक्सेस ले सकते हैं और फिर उनका वो दुरुपयोग कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको एक दैनिक भास्कर की खबर भी दिखाता हूँ, जिसमें सवाल यह किया गया है कि सरकार या राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे VIP पास दिए हैं। तो इसमें जवाब दिया गया है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कि सरकार ने VIP पास का इंतजाम सिर्फ खास लोगों के लिए किया है, ये पास उन्हें निमंत्रण पत्र के साथ भेजे गए हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बदले VIP पास की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है, ऐसे मैसेज मिले तो इन्हें आगे ना बढ़ाएं, साथ ही भेजने वालों को भी सावधान करें। दूसरा सवाल है कि क्या सरकार ने राम मंदिर पूजा के VIP पास के लिए कोई ऐप बनाया है और उसका लिंक लोगों को भेजा जा रहा है, क्योंकि जो व्हाट्सएप में आजकल लिंक भेजे जा रहे हैं या QR कोड भेजे जा रहे हैं उसमें दावा कर रहे हैं कि हम आपको राम मंदिर पूजा के लिए VIP पास देंगे। तो इसका जवाब भी इन्होंने दिया है कि सरकार ने आम लोगों के लिए किसी तरह के VIP पास की व्यवस्था नहीं की है और ना ही कोई ऐप बनाया है। इस तरीके के ऐप का मैसेज और उसका लिंक साइबर ठगों की तरफ से भेजा जा रहा है, इस मैसेज से सावधान रहें। तो एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया कि आपको QR कोड या लिंक वगैरह भेजकर आपसे ठगी की जा सकती है। अब दूसरा तरीका भी आपको बताऊं, और जिसमें कि कोई भी व्यक्ति विश्वास कर सकता है, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विश्वास कर सकता है, वो ये है कि जैसे आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, अमेजॉन पर जब मैंने सर्च किया यहाँ पर ऊपर कि राम मंदिर प्रसाद, केवल इतना ही मैंने सर्च किया था, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसे कैसे आ रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रसाद टाइप 2, श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद 250 ग्राम रघुपति घी लड्डू, इस तरीके से आपको यहाँ पर भी कुछ ऐड मिल जाएंगे जो कि अमेजॉन जैसी सुप्रसिद्ध वेबसाइट पर डाले गए हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि हम आपको जो है राम मंदिर का जो ये पूजा होगी 22 तारीख को, इसका प्रसाद आपको फ्री में देंगे, मतलब या कुछ पैसों में देंगे। ये तो आपको पैसे दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ जो है ऐसी ऐसी वेबसाइटें भी हैं इनका मैं नाम भी नहीं ले सकता यहाँ पर, कि वो फ्री में कह रहे हैं कि बस आपको डिलीवरी चार्जेस देने होंगे ₹51 और हम आपको जो प्रसाद है वो बिल्कुल फ्री में मुहैया कराएंगे। तो इस तरीके से भी ठगी की जा रही है। अब आप देखिए, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ऐसा कहा गया है कि उन्होंने किसी भी कंपनी से कोई टाई अप नहीं किया है प्रसाद के वितरण के लिए, यानी कि जो 22 जनवरी को आयोजन होगा उसका जो प्रसाद है उसके लिए किसी भी जो है आपके जैसे फ्लिपकार्ट हुई, अमेजोन हुई या कोई भी और कंपनी है, उससे कोई भी टाई अप नहीं किया गया है कि भाई आप हमारे प्रसाद की होम डिलीवरी कीजिए या इसका वितरण कीजिए। तो भी एक तरीके से ठगी है, इसके झांसे में भी हमको नहीं आना है, ठीक है। तीसरा जो और मैं बता रहा था आरती के लिए, कि आरती के लिए क्या कह रहे हैं कि हम जो है आपका VIP पास बना देंगे या हमारी जो है वहां पर ऐसे हमारा टाई अप है, आप इतने रुपए दीजिए और आपको जो है हम जो है पास बनाकर दे देंगे, क्योंकि 3 समय पर जो है आरती होगी राम मंदिर में। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, मैं आपको अगर दैनिक भास्कर की ही एक खबर दिखाऊं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राम मंदिर की आरती में शामिल होने के लिए क्या करें।
तो इसमें जवाब है कि आरती दिन में 3 बार होगी, सुबह 6:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7:30 बजे। तो आरती में सिर्फ पास धारक ही शामिल हो सकेंगे। अब इन पास के लिए भी जो है ठगी की जा रही है। तो पास के लिए भी इन्होंने जवाब दिया हुआ है कि आरती के लिए जो पास है वो कहाँ से मिलेंगे और इसकी कीमत कितनी है। अब इसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो यहाँ लिखा है कि सुबह और दोपहर की आरती के लिए 1 दिन पहले ही पास बुक करना होगा और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये बुकिंग की जा सकती है। ठीक है, अगला आगे इन्होंने लिखा है कि शाम की आरती के लिए राम जन्मभूमि के कैंप ऑफिस जाकर आरती से 30 मिनट पहले पास लिए जा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क आपको नहीं देना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि एक आईडी प्रूफ आपको देना होगा और जो आईडी प्रूफ आप दोगे रजिस्ट्रेशन के समय पर वही आपको जब जाओगे वहां पर तो आपको साथ ले जाना होगा। अगर मान लीजिए आपने आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन किया है तब आपको वहां पर अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, कोई फीस उसके लिए नहीं ली जाएगी। और एक आरती में अधिकतम 60 लोगों को शामिल करने की योजना है। जब मैं इस वेबसाइट पर गया तो हम ये वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पर जो है लिखा है क्लिक टू कंट्रीब्यूट, ये डोनेट के लिए है। अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ही दान कीजिए, किसी भी QR कोड पर या किसी भी लिंक पर जाकर आप कोई भी दान या डोनेट मत कीजिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने दे रखा है ऑनलाइन बुकिंग फॉर दर्शन पासेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, क्लिक हेयर टू यहाँ से। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तब हमारे सामने यहाँ पर ये वेबसाइट खुल जाती है इस तरीके से। ठीक है, इस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको यहाँ पर पास मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। दूसरा, वेबसाइट जब मैंने चेक की तो ऊपर वाकई लॉक लगा हुआ है, यानी कि ओरिजिनल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से अपना पास बनाइए या अपना जो है आप डोनेट कीजिए। बाकी किसी भी तरीके से आप कोई भी डोनेट ना करें, ना ही आप किसी जो साइबर ठग है उनके झांसे में आए। तो इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग एक्टिव हो चुके हैं, जितने भी साइबर ठग हैं ये आपको ठगने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो मेरा मकसद ये था कि भाई आपको इस चीज़ से जो है रूबरू कराऊं कि ऐसा हो रहा है और आप इन ठगों के चक्कर में ना आए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई है या आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो थोड़ा काम की है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार इन ठगों के चक्कर में आने से बच जाए। अगर एक व्यक्ति को भी हम बचा लेंगे तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।